हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट के बारे में। और कॉपी पेस्ट के बारे में यानी कट पेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। कट पेस्ट वो होता है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सीडी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सब में आप कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कट में जहाँ से आप टेक्स्ट कट करेंगे या कोई भी चीज़ कट करेंगे, कंट्रोल एक्स वो वहाँ नहीं रहेगी, और कंट्रोल वी से जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ वो चीज़ रहेगी, वो होता है कट पेस्ट। अब बात कर लेते हैं कॉपी पेस्ट की। पेस्ट सेम थिंग है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जहाँ से आपने जो चीज़ कॉपी की है वो आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। आपको सिलेक्शन का तरीका मैंने बता दिया था, कंट्रोल स्पेस किसी एक कॉलम के लिए, शिफ्ट स्पेस किसी एक रो के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किसी एक कॉलम जो बहुत सारी रो में है, और स्पेसिफिक कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस बता दिया, और बहुत सारे कॉलम जो एक रो में है उनके लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो एक कॉलम जैसे बहुत सारी रोज में है, और एक रोज में बहुत सारे कॉलम है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये सारी चीज़ें कंट्रोल एक्स कट की कमांड थी। कट का मतलब बता दिया, कंट्रोल वी पेस्ट की। कॉपी के लिए आप क्या करेंगे, आप करें सबसे पहले जो चीज़ आपको, मान लीजिए आपको कोई सीडी या कोई और चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि कोई फोल्डर है, तो उसको कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट कर लें उस फोल्डर को। यह कॉलम रोज का तरीका तो मैंने बता दिया। वर्ड में मैं आपको लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर, वर्ड्स बता चुकी हूँ, सब कुछ बताया है मैंने। तो जो भी चीज़ आपको, कोई आइकन को सिलेक्ट करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल स्पेस, और अनसेलेक्ट भी कंट्रोल स्पेस से कर सकते हैं, या फिर अप डाउन एरो करेंगे तो भी वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी के लिए करेंगे। कॉपी में क्या होता है, जहाँ से टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वहाँ भी रहेगा, और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी वहाँ पे भी रहेगा। कॉपी पेस्ट में क्या हुआ, क्या होगा कि जहाँ से आपने कॉपी किया है टेक्स्ट वहाँ भी रहेगा, और जहाँ पर आपने पेस्ट किया है वहाँ भी रहेगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कभी कभी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आसानी से कॉपी या आसानी से पेस्ट नहीं होते, फॉर्मेटिंग नहीं होती कॉपी, तो उसके लिए हमें स्पेशल कॉपी यूज़ करनी होती है। स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगी, कल बताऊँगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सेलेक्ट ऑल डेटा के लिए मैंने आपको कंट्रोल ए बता ही दिया है, ठीक। अच्छा, आप कुछ कमांड्स नोट कर लीजिए, और इसके साथ साथ जैसे इंसर्ट वन से आप इनपुट हेल्प ऑफ करेंगे कीबोर्ड का, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें, सारी कीज़ को सीख सकें। इंसर्ट वन से ही इनपुट हेल्प ऑन करेंगे। जब इनपुट हेल्प ऑन होता है तो कीबोर्ड की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब कीबोर्ड का इनपुट हेल्प ऑफ होगा तो आप कीबोर्ड से सारे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्क जो हम कर रहे हैं, तो यानी कीबोर्ड का इनपुट हेल्प ऑफ है। एक कमांड नोट कर लीजिए, इंसर्ट टू, स्पीक टाइप्स कैरेक्टर ऑन होगा उससे, और स्पीक टाइप्स कैरेक्टर ऑफ होगा इंसर्ट टू से। इंसर्ट थ्री से ही स्पीक टाइप वर्ड्स ऑन होगा और स्पीक टाइप वर्ड्स ऑफ होगा, ठीक है। और इंसर्ट फोर, इससे स्पीक जो आपकी की कमांड्स हैं, की कमांड्स ऑन होंगी और की कमांड्स ऑफ होंगी इंसर्ट फोर से। तो ये चार कमांड आप याद रखिए, स्पीक टाइप कैरेक्टर्स ऑन, वर्ड्स ऑन, ऑफ, इनका मतलब ये होता है कि अगर आप इनको ऑन रखेंगे तो एनवीडीए जॉस सारे कैरेक्टर बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ऑफ होंगे तो वर्ड नहीं बोल रहा, कैरेक्टर नहीं बोल रहा, तो ऑफ होते हैं। जब कोई कमांड देते हैं हम और वो कमांड जिस बोल रहा है इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो उसने अगर ये बोला हमने ये कमांड दी है, या इंसर्ट ऑल्ट एफ फोर ये बोला, इसका मतलब स्पीक टाइप्स कमांड ऑफ है, सॉरी ऑन है, स्पीक कमांड ऑन है। और जब ये नहीं बोलता है जो हम कमांड देते हैं, तो उसका मतलब स्पीक कमांड ऑफ है। तो जब कमांड्स वर्ड्स कैरेक्टर जब बोल के बताता है हमें वो, तो वो इसका मतलब जैसे ए बी सी, तो स्पीक टाइप कैरेक्टर ऑन है, तो जब बोल के बताता है तो ये स्पीक टाइप कैरेक्टर वर्ड्स कमांड ऑन होते हैं, और नहीं बोल के बताता तो ऑफ होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का स्पेशल सा ट्यूटोरियल। कल तो नहीं, कल तो मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं भेजूंगी, लेकिन मंडे को
मैं आपको स्पेशल कॉपी और पेस्ट के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सेंड बटन।